पहली बार हो रहा बिहार के अंदर कोई मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मैं चोरों का सरदार हूं और कह रहा है कि खाद में, बीज की बिक्री में, केमिकल फर्टिलाइजर की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार हम रोक नहीं पा रहे हैं। और जब मंत्रिमंडल की बैठक में मुद्दा उठाते हैं तो सामने वाले को बुखार लग जाता है। तब आपका जो वजूद था, जो आपका इकबाल था, वो खत्म हो गया। अब कोई मंत्री आपकी बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सुधाकर सिंह का मुद्दा इस तरीके से तुल पकड़ रहा है कि राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार सरकार के मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। जब सदन में पहुंच रहे हैं और जब बैठक हो रही है, तब कह रहे हैं कि जब मैं अपनी बातों को रखता हूं तो सामने वाला आग बबूला हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि उनके विभाग में फर्टिलाइजर से तमाम चीज़ों की जो है वो घुसखोरी हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप सुने। देखिए, पहली बार हो रहा बिहार के अंदर कोई मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि मैं चोरों का सरदार हूं और कह रहा है कि खाद में, बीज की बिक्री में, केमिकल फर्टिलाइजर की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार हम रोक नहीं पा रहे हैं। और जब मंत्रिमंडल की बैठक में मुद्दा उठाते हैं तो सामने वाले को बुखार लग जाता है। सामने वाला यानी कौन? यानी मुख्यमंत्री। और कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया, गठबंधन की सरकार बन गई लेकिन कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई राज्य सरकार का मंत्री अपने मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बीमा भारती अपनी सरकार के मंत्री को चुनौती दे रही है और कह रही उनको हटाइए, ये तो हम लोगों ने मांग नहीं किया, तो उन्हीं की पार्टी की विधायक जो वो मांग कर रही हैं और दिखा रही कि उन पर हत्या के मामले में वो उन पर FIR दर्ज है, फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये नीतीश जी कैसी सरकार चला रहे? आपके दल में विद्रोह की स्थिति पैदा होगी, बीमा भारती मान नहीं रही है, लगातार आपकी धमकी के बावजूद वो अपने बातों पर कायम है, उल्टे लेसी सिंह को ही मानहानि के मुकदमे के पटिशन को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। सुधाकर सिंह कह रहे कि अपनी बात पर कायम हो। तब आपका जो वजूद था, जो आपका इकबाल था, वो ख़त्म हो गया। अब कोई मंत्री आपकी बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप इसे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीमा भारती अति पिछड़ा समाज से आती हैं और सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हैं, जगता बाबू के बेटे हैं। इसलिए आप में हिम्मत नहीं है कि आप 100 को नोटिस कर सके, आप उनको बुलाकर पूछ सके कि आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि पार्टी में भगदड़ मची है। दादरा नगर हवेली की पूरी इकाई जो है वो बीजेपी में मर्ज कर गई। तो देखिए, उन्होंने जो निर्णय लिया राजद के साथ जाने का, कांग्रेस के साथ जाने का, उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया पार्टी के अंदर। और बिहार जनता दल में बहुत जल्द आपको विद्रोह दिखाई पड़ेगा क्योंकि लोगों को अपना भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है ये तो दिल्ली चले जाएंगे, ये कुछ और कर लेंगे, ये तो गद्दी सौंप देंगे तेजस्वी को, तो उन लोगों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो जनता दल के विधायक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब कोई पवन वर्मा जैसा कोई आदमी ज्वाइन कर ले उनकी पार्टी, उसे क्या फर्क पड़ने वाला? वो कोई नेता थोड़ी है, कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है, उनके पक्ष में 2-4 लेख लिख देंगे, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह के प्रकरण पर सुशील मोदी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और साफ वो कह रहे हैं कि जब मंत्री कुछ कह रहे हैं तो जो मुख्यमंत्री हैं वो उस बातों को टाल दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं सुधाकर सिंह। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।